20वीं सदी के अत्याचारों के जिक्र पर हम अक्सर दो विश्व युद्धों के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में सोचते हैं। आधुनिक तुर्की में आर्मेनियाई नरसंहार, चीन में नानकिंग का बलात्कार और जर्मनी में क्रिस्टल नाक्ट के साथ अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर के बीच एक द्वीप पर एक और भयानक जातीय सफाई अभियान हुआ। इस संघर्ष की जड़ें 1492 में है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस कैरेबियाई द्वीप पर पहुंच गया, जिसे बाद में हिस्पैनियोला नाम दिया गया, जिससे यूरोपीय उपनिवेशीकरण की लहर शुरू हुई। द्वीप के टाइनो मूल निवासी हिंसा और बीमारी से नष्ट हो गए थे और यूरोपीय लोगों ने लाभदायक चीनी पैदा करने के लिए मेहनत के लिए बड़ी संख्या में गुलाम अफ्रीकियों को आयात किया था। 1777 तक द्वीप फ्रांसीसी नियंत्रित पश्चिम और स्पैनिश नियंत्रित पूर्व के बीच विभाजित हो गया था। 1804 में एक सामूहिक दास विद्रोह के कारण हैटी को फ्रांस से आजादी मिली और वो दुनिया का पहला अश्वेत गणराज्य बन गया। लेकिन नए राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ी। विश्व अर्थव्यवस्था से बाहर होकर अपने पूर्व आकाओं के कर्ज में डूब गया। इस बीच डोमिनिकन गणराज्य ने पहले पूर्वी हिस्पैनियोला के हैती शासन और बाद में स्पेनिश और अमेरिकी उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंककर स्वतंत्रता की घोषणा की। इन दोनों देशों के साझा लंबे और सहयोगात्मक इतिहास के बावजूद कई डोमिनिकन अभिजात वर्ग ने हैती को एक नस्लीय खतरे के रूप में देखा, जिसने श्वेत पश्चिमी देशों के साथ राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों को खतरे में डाल दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने द्वीप के दोनों हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ऐसा स्थानीय विरोध को नष्ट करके और अमेरिकी अनुकूल सरकारें बना के पश्चिमी गोलार्ध में अपनी शक्ति सुरक्षित करने के लिए किया गया। अमेरिकी कब्जे की क्रूर और नस्लवादी प्रकृति ने विशेष रूप से सुदूर डोमिनिकन हैती सीमा पर इसकी वापसी के बाद बड़े अत्याचारों की नींव रखी। 1930 में उदारवादी डोमिनिकन राष्ट्रपति होरेसियो वास्केज को उनकी सेना के प्रमुख राफेल त्रुहिलियो ने उखाड़ फेंका। खुद एक चौथाई हेशियन होने पर भी त्रुहिलियो ने द्विसांस्कृतिक हैती और डोमिनिकन सीमा क्षेत्र की मौजूदगी को अपनी शक्ति के लिए खतरा और राजनीतिक क्रांतिकारियों के भागने के मार्ग दोनों के रूप में देखा। 2 अक्टूबर 1937 को एक रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषण में उन्होंने अपने इरादों के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। डोमिनिकन किसानों को चोरी और घुसपैठ से बचाने का दावा करते हुए त्रुहिलियो ने सीमा पर 300 हैतियों की हत्या की घोषणा की और वादा किया कि यह तथाकथित उपाय जारी रहेगा। अगले कुछ हफ्तों में डोमिनिकन सेना ने त्रुहिलियो के आदेश पर कार्रवाई करते हुए हजारों हैती पुरुषों और महिलाओं और यहां तक कि उनके डोमिनिकन में जन्मे बच्चों की हत्या कर दी। सेना ने अश्वेत हैतियों को निशाना बनाया, भले ही कोई डोमिनिकन स्वयं भी अश्वेत थे। कुछ का कहना है कि एक देश के निवासियों को दूसरे से अलग करने के लिए हत्यारों ने अपने पीड़ितों को पार्सली के लिए स्पैनिश शब्द बोलने के लिए मजबूर किया। डोमिनिकन इसे पेरेहियल कहते हैं, एक ट्रिल्ड स्पैनिश आर के साथ। हालांकि प्राथमिक हैती भाषा क्रियोल है, जो ट्रिल्ड आर का उपयोग नहीं करती है। इसलिए यदि लोग पेरेहियल कहने के लिए संघर्ष करते थे तो उन्हें हैती मानकर तुरंत मार दिया जाता था। फिर भी हालिया शोध से पता चलता है कि इस तरह के परीक्षण ये पता करने के लिए एकमात्र कारक नहीं थे कि किसे मारा जाएगा, खासकर क्योंकि सीमा के कई निवासी द्विभाषी थे। डोमिनिकन सरकार ने नरसंहार की किसी भी खबर को सेंसर कर दिया। सबूत मिटाने के लिए शवों को खड्डों और नदियों में फेंक दिया गया या जला दिया गया। यही कारण है कि कोई नहीं जानता कि वास्तव में कितने लोगों की हत्या की गई। हालांकि समकालीन अनुमान लगभग 4,000 से 15,000 तक है। फिर भी नरसंहार की सीमा कई पर्यवेक्षकों के लिए स्पष्ट थी। जैसा कि उस समय डोमिनिकन गणराज्य में अमेरिकी राजदूत ने कहा था, डहाबोन की ओर सीमा का पूरा उत्तर पश्चिम हैतियों से बिल्कुल रहित है। जो नहीं मारे गए वो या तो सीमा पार भाग गए या अभी भी झाड़ियों में छिपे हुए हैं। सरकार ने जिम्मेदारी से इनकार और सतर्क नागरिकों पर हत्याओं का आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन त्रुहिलियो की दुनिया भर में निंदा हुई। अंततः डोमिनिकन सरकार को हैती को मुआवजे के रूप में केवल $5,25,000 का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन भ्रष्ट नौकरशाही के कारण इनमें से कोई भी धनराशि जीवित बचे लोगों या उनके परिवारों तक नहीं पहुंच पाई। मानवता के विरुद्ध इस अपराध के लिए ना तो त्रुहिलियो और ना ही सरकार में किसी को कभी सजा मिली। नरसंहार की विरासत दोनों देशों के बीच तनाव का स्रोत बनी हुई है। सीमा के दोनों ओर के कर्मियों ने अतीत के घावों को भरने की कोशिश की है।
लेकिन डोमिनिकन राज्य ने नरसंहार या उसके पीड़ितों को आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस बीच हैती नरसंहार की यादें इस बात की याद दिलाती हैं कि कैसे सत्ता के भूखे नेता लोगों को अपने आजीवन पड़ोसियों के खिलाफ जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन वीडियो के साथ अपनी सोच का विस्तार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कुछ नया सीखने का मौका कभी नहीं चूकेंगे।